साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहती हूं कि मैंने स्वराज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष पद और सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ समय से दलितों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर मैं चिंतित रहती थी, क्योंकि मैं इस समाज की बहू और बेटी हूँ। साथियों, मैंने समय समय पर पार्टी के शीर्ष नेताओं को अपने दलित समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया और इस ओर कदम उठाने को कहा, परंतु पार्टी की नीरसता और दलित समाज को लेकर गैर जिम्मेदारी को लेकर मेरा मन व्याकुल रहने लगा। और हाल ही में संविधान की प्रति जलाने को लेकर जो जंतर मंतर पर जो भी कुछ हुआ, उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया और मैंने इस फैसले को केवल राजनीतिक पार्टी में पद लेकर बैठने की बजाय समाज के प्रति जवाबदेही तय करने की जाए और समाज हित में कार्य किया जाए, यह सोचा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं समाज सेवा में लगी हुई थी कि 2013 में आप पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर मैं इसमें आप पार्टी में आई, क्योंकि यह हमारे बुद्ध धर्म की मूल भावना बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित लगी। इस पर मैं आप सबको यह बताना चाहती हूँ कि यहाँ बहुजन का मतलब दिल्ली के आम आदमी, गरीब, शोषित वर्ग और मजदूर वर्ग से है। यह कोई खास धर्म या जाति नहीं है। देखिए, हम यहाँ पर धर्म की बात ना करें और ना ही किसी से जोड़ें। बस यहाँ पर मैं यह कहना चाहूँगी कि जिन भी साथियों के साथ मैं यहाँ पार्टी में गई थी, उन्हीं के साथ मैं स्वराज पार्टी में भी रही थी, लेकिन मैंने वहाँ जाकर भी 4 सालों में यही देखा कि स्वराज पार्टी भी बस नाम की ही पार्टी है। उसमें भी कुछ ही लोगों का दबदबा है। और उदाहरण के लिए पिछले चुनावों, निगम के चुनावों में मैंने पार्टी के अपने साथियों को सुझाव दिया था कि हम कुछ ही सीटों पर फोकस करके निगम के चुनावों में अपने कुछ साथियों को जिताएं, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर गौर नहीं किया, जिसका मुझे आज तक मलाल है कि हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। और आज भी जब लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव आने वाला है 1-1.5 साल बाद भी, आज भी कोई भी इन लोगों की कोई तैयारी नहीं है, कोई जमीनी स्तर पर। और यह मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पार्टी के साथियों ने मेरी बात नहीं मानी और स्वराज पार्टी केवल वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई है। तो अब कहां जाएंगे, किस पार्टी में जाएंगे? अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। अभी हमारा आनंद फाउंडेशन है, अभी फिलहाल सिर्फ मैं उसी में ही काम करूंगी। योगेंद्र यादव के साथ कैसा अनुभव रहा आपका स्वराज पार्टी पे? जो उनके साथ तो मेरा अच्छा अनुभव रहा है, लेकिन हमारे जो पार्टी के अंदर ही जो कुछ पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ मेरा अनुभव बहुत कड़वा रहा है। तो अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे? नहीं, अभी मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।